चीन ने अपनी समुद्री ताकत में विस्तार करते हुए ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो एक ही हमले में दुश्मन के पूरे बंदरगाह को तबाह कर सकता है। चीन ने हाल ही में पानी के भीतर इस हथियार का परीक्षण किया है जिसने लक्षित बंदरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त किया। चीन की सरकारी मीडिया कहती है कि इस हथियार को लेकर युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ भी किया जा सकता है। बीजिंग की सेना ने चीन में एक अज्ञात स्थान पर इस डमी बंदरगाह को नष्ट करने के लिए पानी के नीचे इस हथियार को इस्तेमाल किया। तकनीक के इस दौर में किसी भी संघर्ष की स्थिति में दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी सरकार की स्वामित्व वाले ग्लोबल टाइम्स ने इस हथियार को लेकर बताया है कि पानी के नीचे उपयोग करके गुप्त हमलों के जरिए अमेरिकी विमानवाहक जैसे बड़े जहाजों को कमजोर किया जा सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट कहती है कि ये चीनी सैन्य हथियारों के प्रशिक्षण की नई सीरीज है जिसमें हाल ही में एक उपग्रह का प्रक्षेपण भी शामिल है। इस परीक्षण को लेकर अमेरिका ने अन्य अंतरिक्ष यान पर हमला करने की चेतावनी दी थी। अमेरिका समेत कई विशेषज्ञों को लगता है कि ये एक हाइपरसोनिक परमाणु हथियार है। नए परीक्षण को रिपोर्ट करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने बहुत इतराते हुए कहा है कि पानी के नीचे इस हथियार का इस्तेमाल कर शक्तिशाली विस्फोट के जरिए बंदरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स की ही रिपोर्ट कहती है कि परीक्षण में सेंसर का इस्तेमाल डेटा इकट्ठा करने के लिए किया गया जिसका इस्तेमाल असली युद्ध में शत्रुतापूर्ण बंदरगाहों पर हमला करने में सटीकता से अंजाम देने में किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी के भीतर धमाका करने की शक्ति प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को बदलने की प्रतिक्रिया है। चीन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वाशिंगटन इन संभावित हमलों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपनी सेना को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय छोटे छोटे जगहों पर विभाजित भी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का इस तरीके से इतराना बताता है कि चीन कहीं से भी शांति का पुजारी तो नहीं है। वो लगातार अमेरिका के सामने खुद को मजबूत दिखाने के लिए सारी हदों को पार कर तनाव की नई नई सीमा बढ़ाता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।